सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म किया गया है कि उन्होंने दो आरोपियों को सोमवार रात गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जल्द मुंबई लाए जाने के बाद पूछताछ की जाएगी। रविवार सुबह सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की जिम्मेदारी जेल में बंद लॉरेंस विश्रोई के भाई अनमोल ने ली थी। इस बारे में भी पुलिस कड़ी पूछताछ करेगी। पकड़े गए फायरिंग करने वाले आरोपी, इस मामले में क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा, फायरिंग के बाद मुंबई से भाग गए दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने आगे बताया कि दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए मुंबई लाया जा रहा है। एक दिन के भीतर क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही है। इसके लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने घटना स्थल के कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपियों की पहचान की। एक पिछली रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि जिन दो आरोपियों ने फायरिंग की थी उसमें से एक पर वसूली मर्डर जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। बता दें, सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस विश्रोई ने सलमान को धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। पिछले दो सालों में जान से मारने की धमकी भरे फोन कॉल्स, ईमेल और लेटर भी पहुंचाए गए। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच कड़ी जाँच में जुट गई है।